पाकिस्तानी पत्रकार को पता नहीं कहां से इंडियन 20 रुपीज मिल गए और वो पाकिस्तान की आवाम के पास पहुंच गई और उनको नोट दिखा दिखा के पूछ रही है, देखो 20 रुपए का नोट, देखो 20 रुपए। और आप यकीन मानेंगे पाकिस्तान की आवाम भी हैरान है उस नोट को देख के कि भारत के 20 के नोट की क्वालिटी इतनी उम्दा है, इतनी बढ़िया। तो गाइज आज मैं लेकर आई हूँ पाकिस्तानी और इंडियन करेंसी पे कंपैरिजन। ये मेरे हाथ में पाकिस्तान और इंडिया के नोट हैं, ठीक है, पाकिस्तान के 50, 100 और 20 रुपए और इंडिया के 20 रुपए। और आज हम पाकिस्तानी आवाम से कंपैरिजन ये करेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के नोट में क्या फर्क है, मटेरियल किसका ज्यादा अच्छा है। हमारे 20 रुपए के नोट पे इन पाकिस्तानियों क्या रिएक्शन है ये देखते हैं। कि देखिए ना 50 का नोट है और उनका 20 का नोट है, लेकिन उनका 20 का नोट जो है वो 50 से बेहतर है। हमारे नोटों में भी मिलावट स्टार्ट है, समझना सब कुछ इस तरह ही हो रहा है। बात नहीं, आप ये पूछ रही हैं कि नोट कौन सा सही है, मटेरियल किसका नहीं सही है। तो काइंडली हमने तो बच्चों को, दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है तो हम वही पढ़ाएंगे, बगैर तरक्की वही करेंगे। यार हम डॉलर को क्या काटेंगे, हम 75 सालों में हम इस करेंसी को नहीं काट पाए। मेरे ख्याल से इंडियन करेंसी जो है वो डॉलर के मुताबिक करेंसी जो है ना उनके कागज में और इनके कागज में काफी बेहतरी है। हमारे पाकिस्तानी कागज जो है वो बिल्कुल सिफर। अबे पाकिस्तानी तुम नोटों में मिलावट करते हो? हाँ भाई हाँ। मैंने तो कभी पाकिस्तानी नोट हाथ में लिया नहीं तो मेरे को पता नहीं कि इनकी क्या क्वालिटी है, लेकिन जो ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं उसके हिसाब से तो लगता है कि मेरे भाइयों तुम अपने पैसों में भी मिलावट करते हो। अबे मिलावट खोरो कहीं तो शर्म कर लो, नहीं अपने नोट तो अच्छे बना लो। नहीं हमारा 20 रुपए का नोट तुम्हारे 1000 के नोट को मात कर रहा है। क्वालिटी से तो मात कर ही रहा है, साथ में वैल्यू भी हमारे 20 के नोट की तुम्हारे 80 रुपए के बराबर है। 80, 90, 100 जो भी है ऊपर नीचे होता रहता ही है। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? तनवीर भट्टी। अकील मैं आज आपको पाकिस्तान इंडिया के नोट की ना करेंसी दिखाऊंगी और आप मुझे बताएगा कि किसकी ज्यादा क्वालिटी अच्छी है। ये 20 रुपए का नोट इंडिया का है, ये पाकिस्तान का 20 रुपीज का है, 50 का भी पाकिस्तान का है और ये 100 का पाकिस्तान का है। इसकी क्वालिटी बेहतर है, अच्छी है। हाँ अच्छी क्वालिटी है, पेपर अच्छा लगा हुआ है। दिस वन इज बेस्ट। जब मैंने इसको पकड़ा है तो काफी अच्छा स्मूथ सा फील हो रहा है। फिर भी ये इंडियन करेंसी की जो क्वालिटी है वो कुछ बेहतर लग रही है। वैसे इसकी लग रही है, वैसे कुछ कुछ सेम भी लग रहा है पर इसका थोड़ा सा ज्यादा है। साढ़े सही है, पाकिस्तानी सही है जी। तो ये जो इंडिया की करेंसी है 20 की नोट ये अच्छी है। सिर्फ अभी उनका 20 रुपए का नोट है तो यही तो मैं देख रहा हूँ, 20 उनकी इतनी अच्छी क्वालिटी है। मैंने उसका 5000 का होगा, 1000 का जो उनका, उनसे इससे भी हाई क्वालिटी उनका 50 या 100 वाला ही, क्या उसकी क्वालिटी होगी जी? क्योंकि आप करने देखें ना जो इंडिया की करेंसी है ना इस टाइम 18 ममालिक में वो यूजेबल है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लाजमी बात है अगर यूजेबल कुछ तो उनकी क्वालिटी अच्छी होगी ना। ये बात बंदा बिल्कुल परफेक्ट बोल रहा है। हमारे मीका जी अभी कतर में गए हुए थे, उन्होंने भारतीय करेंसी के अंदर वहाँ शॉपिंग की है और बकायदा वीडियो बनाया है, शायद आपने देखा भी हो और ना देखा हो तो आपका भाई है ना आपके लिए। प्राउड मोमेंट की बात है कि राइट नाउ आई एम इन कतर दोहा और हमारे इंडियन मनी इंडियन करेंसी में यू कैन शॉप, जो भी आपको शॉपिंग करनी है आप इंडियन करेंसी ले सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। सो थैंक्स टू मोदी जी, सल्यूट टू यू, बिकॉज ऑफ यू ये पूरा हिंदुस्तानी पैसा पूरे वर्ल्ड में चलेगा, कतर में तो चल रहा है। जय हिंद। यहाँ से तो यही जज हो रहा है कि पाकिस्तानी करेंसी में भी मिलावट हुई हुई है। कि देखे ना 50 का नोट है और उनका 20 का नोट है, लेकिन उनका 20 का नोट जो है वो 50 से बेहतर है। बात तो ये है कि ये जो कागज़ है ये इसका इस्तेमाल में इतनी वो हो रही है, दूसरी चीज़ों में क्या हो। 42 मेरी यानी कि एज है, अभी तक तो हम खाने की चीज़ों से लेके हर चीज़ में मिलावट है पाकिस्तान में। ये खाली चीज़ें मेरे ख्याल से आउट ऑफ कंट्री जाती हैं पाकिस्तान में, बहुत मुश्किल पाकिस्तान से आउट ऑफ कंट्री। हाँ जी आउट ऑफ कंट्री, क्योंकि हमें एक चीज़ खालिश मिलनी नहीं है तो फिर उसके मुताबिक तो हम तो यही कहेंगे ना। माशाल्लाह हर चीज़ में 2 नंबरी हो रही है, हर चीज़ इस तरह की आ रही है, देसी घी है वो नहीं असली मिल रहा, आटे में भी मतलब वो हो रही है मिलावट है, तकरीबन इसी तरह ही है हर चीज़ में मिलावट। हाँ आटे में मिलावट है, हर एक चीज़ में मिलावट है, देसी घी में, आज हमारे नोटों में भी मिलावट स्टार्ट है। समझना सब कुछ इस तरह ही हो रहा है। अब जब मैं काम करता हूँ मुझे ये नोट मिलते हैं, मैं इसको कैसे अच्छा कह दूँ? तो जब जो चीज़ एक सही है आप उसको नहीं सही कहेंगे और आप कहेंगे ये सही कह, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये नोट है, अगर ये आप कागज़ जो लेके आए ना साथ दे तो फिर मैं आपको बताऊं कि कागज़ कौन सा अच्छा है। तो ये कागज़ ही है ना, कागज़ इसके ऊपर प्रिंट हुआ हुआ है ना। हाँ। अगर इसके ऊपर प्रिंट ना हुआ होता तो फिर मैं आपको बताता। तो फिर आप इसका मतलब है कि अगर प्रिंट हुआ हुआ है तो ये सही है तो झूठ बोल देंगे? और अगर ये वाली बात नहीं, आप ये पूछ रही हैं कि नोट कौन सा सही है, मटेरियल किसका सही है, मटेरियल किसका अच्छा है, किसकी ज्यादा अच्छी है? भाई ये पक्का मदरसे साहब जाहिल पाकिस्तानी है, ये नहीं मानेगा भाई, ये बिल्कुल नहीं मानेगा, इसको बोलने का कोई फायदा नहीं है। सही बात है, सही को गलत, गलत को सही बोलने की हिम्मत सिर्फ पाकिस्तानियों के अंदर होती है और एग्जांपल आपके सामने है। क्योंकि मैं चूतिया हूँ,
मेरा दिमाग चूत गया है। मैम रिसेंटली मैं लास्ट टाइम पढ़ रहा था कि गूगल में ना वो अभी 6वें नंबर पे है, जो पाकिस्तान है 1250 नंबर पे आया है। तो काइंडली हमने तो बच्चों को वो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, तो हम वही पढ़ाएंगे, बगैर तरक्की वही करेंगे। हम क्यों नहीं तरक्की करेंगे? बस जब तक हम खुद को नहीं देखते यहाँ पे, देख लें आप करप्शन देख लें उनकी, मतलब जो आवाम है वो इतनी ज्यादा स्टेबल है, ऑनलाइन वर्किंग कर रही होती है, अमेजोन सबसे बेस्ट उनके पास है। पाकिस्तानियों को खालिस चीजें रास नहीं आती? नहीं, रास आती है, हमें मिलती नहीं है। हमारे जो बड़े हैं ना वो हमारे पास रहने नहीं देते ऐसे ही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंडिया से अगर हमें सस्ती अशिया मिले, चीनी वगैरह, उसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं, सब्जियों में भी हमें वहाँ से मिल सकती हैं और मिलती भी रही हैं, तो हमें वहाँ से लेनी चाहिए या नहीं? देखिए, अपने मुल्क के लिए आपको किसी के साथ भी अगर बेहतरी आपके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में होती है तो आपको करनी चाहिए, ठीक है। अगर हमें कोई चीज़ कंसेशन में मिलती है तो डेफिनेटली हमें लेनी चाहिए। क्या कहेंगे पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के हमारे जो नॉर्थ की सूरत हाल है वो कब तक सही हो? ये नहीं ठीक हो सकती, क्योंकि पाकिस्तानी ठीक नहीं हो सकते हुक्मरान खास तौर पे। पाकिस्तान की आवाम को बता, अगर भारत के साथ बिजनेस चालू होगा, ट्रेड चालू होगा, तो पाकिस्तान की आवाम को उससे फायदा मिलेगा, लेकिन बिल्लो रानी को कौन समझाएगा भाई? पाकिस्तान का असली मौकफ आज भी वही है कि जब तक भारत 5 अगस्त 2019 का यूनिलैटरल इलीगल एक्शन कश्मीर में वो रिवर्स नहीं करते हैं, हम मीनिंगफुल डायलॉग, जब तक हमारा असली मौकफ है खास तौर पे कश्मीर के हवाले से, मेरा ख्याल में मैंने फोर्सफुली भारत की सरजमीन पे उनके मीडिया के थ्रू कश्मीर कोज का एडवोकेसी किया। बिल्लो रानी, इमरान खान, शहबाज शरीफ, इनको कौन समझाएगा भाई? इमरान खान ने जो ट्रेड होता था थोड़ा बहुत वो भी बंद कर दिया, बिल्लो रानी आगे कहती है कि हम जब तक ट्रेड नहीं करेंगे जब तक वो धारा नहीं हटाओगे, तो धारा तो बेटा ना आज हटेगी ना कल हटेगी, और तुम्हारे साथ बिजनेस करना कौन चाहता है, तुमसे हाई हेलो करना कौन चाहता है भाई? कोई नहीं चाहता। तुम अपने मस्त रहो, हम हमारे मस्त रहे, हमें तुमसे मतलब नहीं, तुमको भी हमसे मतलब नहीं, हमने करना है सिर्फ आप लोगों से मनोरंजन, वो हम कर लेते हैं। नाज़रीन, आपने वो कहावत सुनी होगी कि कौवा चला हंस की चाल चलने और अपनी चाल भी भूल गया। ऑफ कोर्स, पाकिस्तान। ऐसा उस वक्त कहा जाता है जब कोई शख्स अपनी हैसियत से बढ़कर कोई काम करने की कोशिश करता है और उसमें नुकसान उठाता है, और कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ ऐसा ही हुआ पाकिस्तान के साथ में, आटा इनके यहाँ मिल नहीं रहा है, लोग सारे काम धाम छोड़ के सुबह 6 बजे 5 बजे लाइनों में लग जाते हैं कि आटा मिल जाए, सुबह से शाम हो जाती है लेकिन फिर भी उनको आटा नहीं मिलता है। अवाम पर फेंके जाने वाले एक और बॉम्ब की तैयारी कर ली गई है। अच्छा, महंगाई की चक्की में पिसते अवाम हो जाए जरा तैयार, क्योंकि अब चूल्हा जलाने से पहले भी आपको सोचना पड़ेगा 100 बार। कभी वो कहते हैं कि लाइनों में लगो, कभी वो कहते हैं टोकन मिलेगा, फिर लाइनों में लगते हैं तो फिर टोकन रह जाता है, वैसे भी दो और जगह तो अभी तक आटा नहीं मिला, नहीं मिला, ना ही हमारे नाम लिख रहे हैं वहाँ, हमें लारेल दे के जा रहे हैं, लिख लेंगे, नहीं लिख रहे ना, वो आते हैं ना बस लिख कर चला जाए बस। आप स्कूल नहीं गई? स्कूल अब पार्टी की मजबूरी है, हमें खर्चा करना है तो स्कूल जाए, तो उनकी खर्चा कौन भरेगा, फीस कौन देगा, इसलिए यहाँ आ गए हैं। क्योंकि आटा तो आया हुआ, अभी तो क्यों नहीं मिला? तो हमें मिला नहीं, कल भी हम आए हुए थे 5 बजे से जो लाइनों में लगे थे, हम 2 बजे गए यहाँ से, हमें आटा नहीं मिला। हलवा पका है। वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में जो भी कीड़े कुलबुला रहे हैं उन कीड़ों को कमेंट सेक्शन में उतार जाइए। लाइक टारगेट रख लेते हैं 12,000, पहुँचाई देना इतना तो कर ही सकते हो। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।